qualifies a verb, an adjective or another adverb. ये क्या करता है, हमें और भी information देता है किसके बारे में, एक verb के बारे में, adjective के बारे में और another adverb के बारे में हमें ज़्यादा information ये देता है. अब मैं आपको बता रही हूँ इसके some examples. Fast, slow, very slowly, loudly, silently, badly, fluently, twice, yesterday, etc. तो ये क्या है, ये मैंने आपको इसके थ्रू बताया. अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए अपनी मैगजीन का पेज नंबर 3 ओपन करती हूँ और वहाँ से मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में और भी ज़्यादा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. तो पेज नंबर 3 जो है मैगजीन का, उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक एक पॉइंट को, एक एक बात को एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ. जैसे वॉक स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, वे धीरे टहलता है. तो इस वाक्य में जो वॉक है वो टहलना, टहलना क्या है, यानी वॉक, वॉक है एक वर्ब है ये, ठीक. और स्लोली धीरे धीरे, ये टहलने की एक विशेषता बतलाता है. टहलना किससे, कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ. इस वाक्य में रन एक क्रिया है और फास्ट रन की विशेषता बता रहा है, इसलिए फास्ट एक एडवर्ब है. क्लियर? तो